नमस्कार दोस्तों, जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जल्दी ही शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरीका से आपकी तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश का मानना ये है कि करण कुंद्रा उनके लिए सबसे ज़्यादा जीवन साथी के तौर पर सबसे अच्छी चॉइस है। क्योंकि आपने देख ही लिया होगा कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्द ही तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा के साथ में सात फेरे लेने जा रही हैं, क्योंकि करण कुंद्रा और तेजस्वी एक दूसरे को इस तरीका से पसंद करते हैं क्योंकि ऑडियंस भी उनको काफ़ी बेइंतहा प्यार करती है। बिग बॉस 15 में इनकी जर्नी एक लव स्टोरी से शुरू हुई थी और आज के समय में इनकी लव स्टोरी को ऑडियंस उतना ही पसंद कर रही है। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ अन्य अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रोहित नागर। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके गाइज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि लोग जानते हैं कि तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा लंबे समय से ही एक दूसरे के साथ में बने हुए हैं और जल्दी ही नजर आने वाले हैं शादी के एक पवित्र रिश्ता में। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि तेजस्वी प्रकाश नागिन सीजन 6 में काम कर रही हैं, वहीं करण कुंद्रा को बहुत ही ऑफर मिल रहे हैं। लेकिन करण कुंद्रा, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस साल के यानी नवंबर के आसपास में शादी के बंधन में बंधेंगे। तेजस्वी प्रकाश की बात की जाए तो तेजस्वी प्रकाश अपने इस समय करियर पर फोकस कर रही हैं और उनके पास में इस समय यानी कि तेजस्वी प्रकाश के पास में साउथ की एक मूवी है जिसे जल्दी ही वो शूट करने जा रही हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ अन्य अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा जल्दी ही एक अपकमिंग न्यू सॉन्ग में भी नजर आने वाले हैं, जिसमें तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा एक दूसरे के साथ में रोमांस करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू ऑल ऑफ यू।